हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 84 क्लास 7th सोशल साइंस की बच्चों की वर्कशीट है, जो कि 13 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो बच्चों, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें दो तरह के रिसोर्सेज हैं। एक तो रिसोर्सेज वे हैं जो हमें नेचर से मिले हैं, और एक रिसोर्सेज वे हैं जो हम नेचर से मिले हुए रिसोर्सेज में चेंज करके हम खुद तैयार करते हैं। ठीक है, तो जो हम खुद तैयार कर रहे हैं उनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहेंगे, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहेंगे। देखिए, नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस वेरियस थिंग्स लाइक एयर, वाटर, वेजिटेशन, सॉयल एट्सेट्रा विच आर असेंशियल फॉर अवर लाइफ। नेचर से हमें क्या मिला है? नेचर से हमें एयर मिली है, वाटर, वेजिटेशन, सॉयल, ये सारी चीज़ें हमें नेचर से मिली हैं जो हमारे जीने के लिए बहुत आवश्यक हैं। द ह्यूमन यूजेज दीज थिंग्स फ्रॉम द नेचर एज अ रॉ मटीरियल और मॉडिफाई देम अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। अब ह्यूमन जो है वो क्या करता है, वो जो नेचर से चीज़ें मिली हुई हैं उनको एज ए रॉ मटीरियल यूज़ करता है। रॉ मटीरियल का मतलब क्या होता है? कच्चा माल, है ना। जैसे एक फैक्ट्री होती है, उसमें कोई भी अगर जो है कोई भी चीज़ जो बनाई जाती है फैक्ट्री में, प्रोडक्ट जो बनाया जाता है, उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता तो होती ही है। तो जो भी चीज़ बनाई जाती है कच्चे माल को उसी के अनुसार उसको क्या किया जाता है, चीज़ें बनाने के लिए परिवर्तित किया जाता है, उसी के अनुसार कच्चा माल लिया जाता है। इसी तरह हम अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रकृति से जो हमें रॉ मटेरियल मिला है, रॉ मटेरियल जो हमें नेचर ने दिया है, उसमें हम चेंजेस करके अपनी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करते हैं। नाउ ही यूज हिज टेक्नोलॉजीज आइडियाज़ नॉलेज ऑन द थिंग्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड कन्वर्ट इट टू यूज़ इन द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब देखिए इसमें क्या है कि जो ह्यूमन बींग है वो अपने न्यू टेक्नोलॉजिकल आइडियाज़ उनका यूज़ करता है, अपने नॉलेज का यूज़ करता है, अपनी स्किल का यूज़ करता है, और जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको वो मैन मेड या ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में चेंज कर लेता है। द एनवायरनमेंट मेड बाय ह्यूमंस फॉर देयर कन्वीनियंस इज़ कॉल्ड द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। और ऐसा जो एनवायरनमेंट जो नेचर जो है नेचर से किसमें चेंज किया गया है, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए ह्यूमन ने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया है, उसको हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए ब्रिक्स हैं, ब्रिक क्या है, ईंटें। अब ईंटें जो है वो किससे बनी, सॉयल से। सॉयल कैसा जो है, आप कह सकते हो सॉयल एक हमारा नेचुरल रिसोर्स है ना, और हमने अपनी कन्वीनियंस अपना घर बनाने के लिए उसको किस में चेंज कर दिया, मिट्टी को, मिट्टी को हमने ब्रिक में चेंज कर दिया। इसी तरह सॉयल से अगर हमें मूर्ति बनानी थी तो हमने उसको आइडॉल्स में चेंज कर दिया। तो ये क्या है, दिस इज़ द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। नाउ फॉर एग्जांपल वुड्स ऑफ ट्रीज इज़ यूज टू मेक फर्नीचर। देखो बच्चों, अब जो ट्रीज़ हैं वो क्या हैं, वो नेचुरल हैं, लेकिन उन ट्रीज़ का यूज़ करके हमने क्या बनाया, टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमने फर्नीचर बनाया, तो वो क्या हो गया, वो ह्यूमन मेड हो गया। इसी तरह ब्रिक्स जो हैं, ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम सॉयल, तो ब्रिक्स बच्चों सॉयल क्या है, वो नेचुरल है, लेकिन इससे हमने क्या बनाई, ब्रिक्स बनाई। ठीक है, उस ब्रिक्स से हम क्या बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, और हाउस है, ब्रिक्स है, वो क्या है, वो मैन मेड हो गया। इसी तरह मेटल्स जो है वो कैसी हैं, वो नेचुरल हैं, बट उससे हम क्या बनाते हैं, व्हीकल्स हैं, यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाते हैं, तो बच्चों वो क्या हो गया, वो भी मैन मेड या ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हमने जो है प्रिपेयर किया अपनी टेक्नोलॉजी से। अब देखिए, मैनी टाइम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एडवर्सली अफेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। ऐसा बहुत बार होता है बच्चों कि जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, यानी हम जो अपनी नीड के लिए जो एनवायरनमेंट रेडी कर रहे हैं, वो हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको किसी ना किसी तरह अफेक्ट करता है। लाइक हमने व्हीकल्स बनाए, उससे क्या हुआ, स्मोक निकलता है, स्मोक क्या करता है, जो पॉल्यूशन है उसको कॉज करता है। लाइक स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द एयर, एयर को पॉल्यूट करता है। ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसीलिए बच्चों नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में एक बैलेंस हो जरूरी है, होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो बैलेंस रहेगा तभी हमारी लाइफ जो है वो स्मूथली रन करेगी। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव, ह्यूमंस को जो है एक तरह से आप कह सकते हो जीवन जीना आना चाहिए।
एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन ए हार्मोनियस वे। और जो हमारा एनवायरनमेंट है नेचुरल एनवायरनमेंट, उसको अच्छी तरह से यूज़ करना आना उसको चाहिए, ताकि जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है बच्चों वो किसी भी तरह हार्म ना हो, उसको कोई नुकसान ना हो। तो देखो ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए ह्यूमन ने क्या बनाए हैं बच्चों, रोड्स बनाए हैं, ब्रिज बनाए, फैक्ट्रीज बनाई, बिल्डिंग्स बनाए हैं, मॉन्यूमेंट्स है, पार्क है। तो ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है जो मनुष्य ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार किए हैं। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिखाया गया है, व्हाई डज मैन मॉडिफाई हिज एनवायरनमेंट। तो बच्चों मैन जो है वो मॉडिफाई क्यों करता है एनवायरनमेंट को, सभी बच्चे जानते हैं मॉडिफाई क्यों करते हैं, हमें अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपनी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करना है, इसीलिए जो मैन है वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है। तो चलिए बच्चे देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सो ये जो है बच्चों इसका आंसर रहेगा, देखिए, मैन चेंज हिज एनवायरनमेंट टू फुलफिल हिज नीड्स एंड फैसिलिटेट हिज लाइफ, मैन वांट्स मोर एंड मोर फैसिलिटी इन हिज लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो है आप लिखेंगे मैन चेंज हिज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को चेंज करता है, फुलफिल हिज नीड्स एंड फैसिलिटेट हिज लाइफ, मैन वांट्स मोर एंड मोर फैसिलिटी इन हिज लाइफ, सो ही चेंज द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड। ओके, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम योर सराउंडिंग लिस्ट दो सब्सटेंसेस विच पोज द थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। यानी आपके सराउंडिंग में बच्चों आपको एक ऐसी लिस्ट, उन सब्सटेंसेस की लिस्ट तैयार करनी है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं, ठीक है, जो हमारे एनवायरनमेंट को एक तरह से हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर तैयार करनी है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देयर आर मैनी थिंग्स विच हार्म आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं, लाइक व्हीकल स्मोक है, साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम होम्स, जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, प्लास्टिक वेस्ट बच्चों बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, फैक्ट्री स्मोक निकलता है, प्लास्टर ऑफ पैरिस जो स्कल्पचर्स, जो मूर्तियाँ जो हम बनाते हैं और फिर उनको वाटर में जो है उनको प्रवाहित कर देते हैं, ठीक है, थ्रो कर देते हैं, तो वो सब हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाता है। ई वेस्ट है बच्चों, ई वेस्ट यानी जो रेज निकलती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज़ करते हैं लाइक कंप्यूटर, उनसे जो रेज निकलती हैं वो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की जो है पॉइंट्स आपको लिखने हैं, और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, वो आप जो है खुद से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द टेबल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ योर सराउंडिंग। तो बच्चों आपको ये टेबल फिल करनी है, तो इसमें देखिए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हमने पढ़ा अभी क्या है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो कि जो हमने ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी से उसको चेंज किया है, नेचुरल को चेंज किया है। लाइक हमने एग्जाम्पल पढ़े अभी, कार फैन का एग्जाम्पल आपको गिवन है, और भी हमने एग्जाम्पल पढ़े बेटा, यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ब्रिज, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, रोड्स, ठीक है, और पार्क, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं, ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हैं। उसके बाद देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट जो हमें नेचर ने दिया है, जिनको हम एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, लाइक रिवर्स है, माउंटेन्स है, सॉयल, वाटर, ट्रीज़, ये सारे एग्जाम्पल बच्चों आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आइए बच्चे देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। सो आप इस तरह से इसका लिखेंगे, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या है, ब्रिज, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, रोड्स, पार्क, मॉन्यूमेंट्स एट्सेट्रा, और भी एग्जांपल आप इसमें ऐड कर सकते हो। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या लिखेंगे, रिवर, माउंटेन, सॉयल, वाटर, एयर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशन, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, ट्रीज आप ऐड कर सकते हो, ये सब क्या है, दीज आर नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब देखिए बच्चे ये थी आपकी आज की जो SST की वर्कशीट है, आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।